एल्विश यादव को डांटने के बाद घट गए सलमान खान के फॉलोअर्स। फैन आर्मी का कमाल या फिर कुछ और? दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बिग बॉस के घर में आपके मनपसंद स्टार कौन सा है। बिग बॉस ओटीटी 2 में हर रोज बढ़ते ड्रामे इस सीजन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। शो में आए दिन कुछ न कुछ गर्मा गर्मी होती रहती है। बीते वीकेंड के वार में सलमान खान ने एल्विश यादव को जमकर फटकार लगाई थी और इसकी वजह से ही बाहर उनके फैंस नाराज हो गए। इसे लेकर उन्होंने घर के बाहर एल्विश के लिए सपोर्ट दिखाना शुरू कर दिया। सलमान खान उन कारणों में से एक हैं जिसकी वजह से बिग बॉस यहां तक आया है और एक्टर कई सालों से बिग बॉस की होस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो एल्विश यादव को फटकार लगाने के लिए उनके फैंस के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल एल्विश यादव ने बेबिका ध्रुवे के बारे में अपमानजनक कमेंट किया था। इसके बाद सलमान खान ने इसी बात को लेकर उन्हें डांटा और समझाया। ये वीकेंड का वायरल एपिसोड के दौरान हुआ, जिसके बाद अब सलमान खान के खिलाफ काफी रिएक्शंस आ रहे हैं। वीकेंड का वायरल एपिसोड के अगले दिन ही ये देखा गया कि सलमान खान के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स में बड़ी संख्या में गिरावट आ गई है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया कि घटना से पहले एक्टर के इंस्टा पर 66.8 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन एल्विश यादव से टकराव के बाद से अब उनके फॉलोअर्स की संख्या घटकर 63.7 मिलियन हो गई है। एल्विश के फैंस के निशाने पर सलमान आ चुके हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 के वीकेंड का वार एपिसोड के ऑनलाइन प्रसारित होने के तुरंत बाद एल्विश यादव के फैंस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और घर में यूट्यूबर को कोसने के लिए सलमान खान की कड़ी आलोचना की है। गोल्डी बराड़ ने धमकी भी दी है। गर्मा गर्म विवाद के बीच एक ताजा स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है, जो कनाडाई डकैत गोल्डी बराड़ का ट्वीट लग रहा है। इस समय इंटरनेट पर यह तेजी से वायरल हो रहा है। ट्वीट में बराड़ एल्विश की आलोचना करने पर सलमान के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि ट्वीट की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि ये गोल्डी ने ही किया है या फिर किसी और ने। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है बिग बॉस ओटीटी में इस बार कौन जीतने वाला है।